नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 14 देखा था। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 15 और ये लास्ट सेट होगा इस बुक का, क्योंकि इसमें टोटल 15 ही सेट दे रखे थे। इस चीज को हमने पहले बताया था कि अब हम आपको नई बुक से जो है वो प्रैक्टिस सेट कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है आपका, मुगल सेना मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु इनमें से जो है वो क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम या चाय? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला यानी कि सूती वस्त्र आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो व्यापार को लेकर के अनुमति दी गई थी ना, वो महारानी एलिजाबेथ ने दी थी सन 1600 में, आज्ञा पत्र के द्वारा अनुमति जो है वो दी थी। बाद में व्यापारी कोठियां वगैरह वही 1608 में खुलना स्टार्ट हो गई थी। पहला प्रयत्न 1608 में किया गया था और जो कप्तान हॉकिंस थे उनको जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जो है लेने के लिए जो है वो भेजा गया था। वो सारी चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए जो बेसिक है। बाकी मुगल काल में व्यापार की जो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु थी वो सूती वस्त्र थी, जिसमें आप देखेंगे तो पश्चिम जो एरिया था उसमें ज्यादा मांग थी, तो सूती वस्त्र आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की जो मृत्यु है वो विष देने से हुई है? ये किसने लिखा है? आंसर की बात करते हैं तो बाबर की जो पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, बाबर की जो पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, इसने अपनी जो रचना थी हुमायूं नामा उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि बाबर की जो मृत्यु है वो विष देने से हुई है। और गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी थी और जन्म इसका हुआ था 1523 में। रचना जरूर याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हुमायूं नामा जो है उसमें उल्लेख जो है वो किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा जो है वो किया गया था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर अरबों के द्वारा किया गया था। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और हिंदू धर्म आप कहेंगे अरबों वर्षों से चला आ रहा है, ऐसे भी अरबों वर्ड जोड़ करके याद रख सकते हैं ट्रिक के तौर पर भी। और ईरानियों पारसियों करके भी ऑप्शन दिया जाता है, मतलब अगर अरबों ऑप्शन ना दिया गया तो। बाकी आपका अरबों यहाँ पर सही है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा जो है वो दी गई है? चार नाम दिए गए हैं, नंदी कलम्बकम या कलिंग पुत्र पर्णी या पेरिया पुराणम या कुरल। आंसर की बात करते हैं तो कुरल आपका सही हो जाएगा। तमिल भाषा में जो रचित कुराल, इसको कुरल भी कहते हैं, इसी को ही लघु वेद की संज्ञा दी गई। रचयिता इसके हैं संत तिरुवल्लूर। क्या नाम है रचयिता का? तिरुवल्लूर। और टोटल 133 अध्याय हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपका, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद, ये आपसे पूछा गया है, स्थित था कहाँ? स्थित था राजस्थान में आपका ये स्थित था। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और 16 टोटल महाजनपद थे और बौद्ध जो ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय उसी में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से निकाय में, तो अंगुत्तर निकाय में। और इसमें कौन कौन से आपके आते हैं 16 महाजनपद में, जैसे कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स है, कौशल है, मल्ल है, काशी है, अंग है, मगध है, वज्जी है, चेदी है, मत्स्य है, अस्मक है, अवंती है, गांधार है और कंबोज है। और जहां पर जो प्रश्न पूछा गया था वो मत्स्य महाजनपद पूछा गया था, तो इसकी राजधानी आपकी क्या है? विराट नगर इसकी राजधानी जो है वो हुआ करती थी और मत्स्य महाजनपद राजस्थान के अंतर्गत आता था। अगला है, ब्रिटेन में भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा जो है वो चला था? आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है आपका सी वाला सही होगा। इसी को ही एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? वो नाम है मार्ले मिंटो सुधार। तो कई बार उसी नाम से जो है वो पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार। और यही है वो आपका जो सबसे कम समय तक अर्थात 10 सालों तक आपका जो है वो चला था। मुख्य इसकी विशेषता थी संप्रदायवाद को जन्म देना और इसी अधिनियम के द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी मुसलमानों के लिए वो शुरुआत की गई थी।
तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था, वो यहाँ पर पूछा गया है। INA आपका आजाद हिंद फौज से संबंधित था। तो ये मुकदमा आपका चलाया कब गया था, सबसे पहले तो समय की बात करते हैं, तो 1945 में आपका चलाया गया था। फिर पूछा गया है कि किसके काल में चलाया गया था, लॉर्ड वेवल के काल में चलाया गया था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सिपाहियों के द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर जो निष्ठा की शपथ होती है, जिसको कहते हैं सरकार के प्रति जो निष्ठा है, उसको तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया था। ये मुकदमा लॉर्ड वेवल के टाइम में चलाया गया था। लॉर्ड वेवल का जो टाइम है वो 1944 से स्टार्ट होकर के 1947 तक आपका चलता है, तो यही 1945 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था। ये पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बता चुके हैं हम एक बार कि पूछा जा चुका है, आपको ये पता होना चाहिए। दांडी मार्च की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो 12 मार्च की तारीख थी और समय था आपका 1930 का। और कहाँ से आपको देखने को मिला था, तो ये साबरमती से आपको देखने को जो है वो मिला था। यहाँ से साबरमती आश्रम अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। टोटल 78 इसमें अनुयायी थे और इसके साथ दांडी मार्च की शुरुआत जो है वो हुई थी। तो यही चीज प्रश्न में पूछा गया था, शुरुआत कहाँ से हुई, तो साबरमती आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी 5 अप्रैल 1930 की ही आपकी तारीख थी, जब गुजरात के अंतर्गत नवसारी जिला था, जिसके अंतर्गत दांडी आपका पड़ता है, तो दांडी नामक गांव पहुंचे थे और जहां पर 6 अप्रैल यानी जस्ट अगले दिन एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के नमक कानून का उल्लंघन जो है वो किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वो शुरुआत की थी। तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मैंने सारी घटनाएं आपको एक एक करके बता दी। अगला है, इनमें से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है वो दी गई थी, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ पर गोरखपुर जो है वो सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी जो कांड था उसके एक आरोपी के रूप में 19 दिसंबर 1927 की जो है वो तारीख थी, तो गोरखपुर जो जेल था इसी में ही फांसी पर जो अंग्रेज हैं उनको लेकर के स्थान याद रख सकते हैं कि फांसी जो है वो उनके द्वारा दी गई थी। बाकी इनके अलावा अशफाक उल्ला खान जो थे उनको फैजाबाद जेल, जो राजेंद्र लाहिड़ी जी थे उनको गोंडा जेल, और रोशन लाल जो थे उनको नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में फांसी जो है वो दी गई थी। तो जैसे ये पूछा गया राम प्रसाद बिस्मिल, तो बाकी के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला, इनमें से कौन नेता थे जो कि उग्रवादी जो है वो नहीं थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लाल बाल पाल तीन नाम देखने को मिलते हैं जो कि उग्रवादी थे, परंतु यहाँ पर बनर्जी का नाम दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, WC बनर्जी हो जाएगा, जो कि आपके उग्रवादी नेता के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी लाल बाल पाल तीन आते हैं। अब यहां से आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, जो भी लोग वीडियो जो है वो देख रहे हैं। प्रश्न आपका है अगला, 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक जो ह्रास है, कमी है, वो कहाँ देखा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सूडान जो है वो सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आंकड़े बहुत पुराने पूछे गए हैं, तो सूडान सूडान नहीं, ब्राजील आपका जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। और अगर बात करते हैं कितना परसेंट ब्राजील का जो है वो वनाच्छादित है, तो 62% आपका जो है ये वनाच्छादित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है आपका, इनमें से कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है, आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन पहला चार्ट जो आप देख रहे हैं ये जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है। बाकी इथोपिया, सूडान, युगांडा, ये सभी जो है आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य के रूप में जो है वो जाना जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो आंसर की बात करते हैं, तो आंसर यहाँ पर केरल राज्य जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपको पता है अकेले 90% आपको यहाँ पर देखने को मिलता है रबड़ उत्पादन की दृष्टि से, और तमिलनाडु, कर्नाटक बाकी आते हैं अगर इस केरल के बाद की बात करते हैं। भारत में अगर व्यापारिक स्तर पर देखेंगे तो रबर के बड़े से बगान, या कहेंगे व्यापारिक स्तर पर भी कह सकते हैं, जो रबर के बगान है वो 1902 में इसी केरल में पेरियार नदी के तट पर जो है वो लगाए गए थे। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ दर्रे दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं, और बताना है कौन सा दर्रा कौन से राज्य में आपका पड़ता है। अब माना दर्रा आपको पता है उत्तराखंड में है, मनाली करके ट्रिक बता चुके हैं कई बार,
ये वाला फोर्थ से मैच हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ तो देखिए तो इन तीनों ही ऑप्शन में है, और सेकंड वाले का थर्ड और वन, थर्ड और यानी सेकंड वाला है तो थर्ड से मैच होगा, है तो वन से। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, तो ये आपका फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। फर्स्ट वाले से मैच वाले ये दोनों ऑप्शन है, यानी इन्हीं में से ही कोई आंसर होगा। जो जिला दर्रा कहाँ है? तो आपका ये जम्मू कश्मीर में, तो ये आपका आंसर कहाँ से हो जाएगा? सेकंड वाले से। और सिपकिला दर्रा बचा, ये हिमाचल प्रदेश में, तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला जो है वो सही होगा, 4-1-2-3 करके। बाकी पेट के प्रीवियस ईयर उठाएंगे ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि दर्रे से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये आपसे पूछा गया कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका नोएडा में स्थित है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। श्रम संबंधी जो मामले होते हैं ना, उस पर अनुसंधान होता है, प्रशिक्षण है, प्रकाशन है, परामर्श, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। वीवी गिरी भारत के पहले, मतलब इससे भूतपूर्व आप कह सकते हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं वीवी गिरी। 1995 1995 में इनके नाम पर इसका नाम जो है वो रख दिया गया था। अगला है, भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा कब देखने को मिली? तो ये 1961 से 1971 में देखने को मिली। और यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई परसेंटेज में अगर बात करते हैं, तो 24.80% की वृद्धि आपको देखने को जो है वो मिली। 1950 से 61 में देखेंगे तो भारत की जनसंख्या में 22.5% को आपको वृद्धि देखने को मिली थी। इसी प्रकार 1971 से 81 में देखेंगे तो 24.66, यहाँ से बड़ा नजदीक है। 1991 से 2001 के बीच में 21.54, इन चारों के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? बी वाला ऑप्शन सही होगा। पर अगर पूछा जाता है तो लेटेस्ट का भी कई बार आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, तो 2001 से 11 की अगर बात करें तो इसमें 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? तो आप कहेंगे 17.70%, ये बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में जो है वो सम्मिलित था? तो ये यहाँ पर जयप्रकाश नारायण का नाम देखने को मिलता है, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है, इन्होंने आर्थिक विकास के लिए सर्वोदय योजना की जो परिकल्पना है वो रखी थी 1950 में। अगला है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार आपने देखा होगा कि जितने भी इस्पात संयंत्र के नाम है उनकी स्थिति पूछ ली जाती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर है आपका वो भी पता होना चाहिए। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र आपका उड़ीसा के अंतर्गत जो है वो पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पर पूछी गई है कि इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो आंसर यहाँ पर आप क्या कहेंगे? जर्मनी, जर्मनी के सहयोग से हुई। उसके अलावा सन भी याद रख सकते हैं, 1955 में स्थापना इसकी हुई थी। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा रिपीट होता हुआ आपको देखने को मिल जाता है कई एग्जाम्स में, कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुआ था? तो ये गठित हुआ था 6 अगस्त 1952, तो 1952 के साथ तारीख भी याद रख सकते हैं, 6 अगस्त की। ये कैसा निकाय है? तो ये आपका एक संविधानेतर निकाय है। अध्यक्ष इसका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। पहले योजना आयोग चलता था, तो जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं उनका अनुमोदन यही राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। अब तो नीति आयोग आ गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कई बार क्वेश्चन ही करा चुके हैं, ये तो मतलब सपने में भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। वित्त मंत्रालय सचिव, बी वाला आपका जो ऑप्शन है ये जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 1 रुपए के सिक्के या नोट छोड़ दिए जाए, बाकी जो है वो आरबीआई के अधिकार होता है जारी करने का। पर 1 रुपए के नोट अब तो निर्गमन उनका बंद कर दिया गया है, सिक्के वगैरह जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है वो निर्गमित होते हैं, और चलन में रिजर्व बैंक द्वारा जो है वो डाले जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर पूछा जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से सचिव वित्त मंत्रालय ही आपका जो है वो होगा। बाकी बात बीच में चली थी कि 2015 से फिर से 1 रुपए के नोटों की छपाई जो है वो स्टार्ट की जाएगी। अब यहाँ से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे, इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक जो परिस्थिति है वो जो है वो की गई है? 1992, 1992 यहाँ भी है, वहां पर 73वां संविधान संशोधन है, यहाँ 74वां है, फिर 75वां, 1993, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम वाला जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये जो है आपका सही होगा।
बाकी आपको पता है कि संविधान संशोधन जो था 74 वाला 1992 द्वारा जो नगर पालिका है उनको संवैधानिक स्थिति जो है वो दी गई थी, और संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 9 का और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ करके जो भी शहरी क्षेत्र की नगर पालिका है उनको संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था। इसी प्रकार 74वां जैसे ऐसे 73वां संविधान संशोधन भी पूछा जाता है, उसमें क्या है, उसमें ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। और 75वां जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में, इसमें क्या है, इसमें राज्य स्तर पर मकान मालिक जो विवाद वगैरह हो जाते हैं उनको सुलझाने के संबंध में राज्य ट्रिब्यूनल जो है उनके गठन को लेकर के व्यवस्था की गई है। राज्य में जिला न्यायाधीश को इनमें से कौन नियुक्त करता है, तो भारत राज्य का राज्यपाल जो है ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला और जो सेशन न्यायाधीश होते हैं उनका न्यायालय जिले में उच्चतम आप कहेंगे दंड न्यायालय के रूप में जाना जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आर्टिकल 233 ये कहता है कि प्रोन्नति करना हो, नियुक्ति करना हो, राज्य का राज्यपाल जो है वो उसके पास इसको लेकर के शक्ति होती है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति जो है वो की जा सकती है, वो पूछा गया है किस प्रकार से, आप कहेंगे राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आपको ये बताया कि जो विधान परिषद है ये विधान मंडल के अंतर्गत आता है, तो अगर मैं आपसे कहूँ विधान जैसे आपका लोकसभा राज्यसभा होता है ना, इसी प्रकार राज्यों में आपका विधानसभा विधान परिषद होता है, वो आता किसके अंतर्गत है, वो विधान मंडल के अंतर्गत आता है। विधान मंडल का जो आर्टिकल है वो है 168, इस आर्टिकल को याद रखिएगा। ये बात को भी समझिए कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल तो होता है जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में दो सदन और कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर के बना होता है। अगर बात करते हैं कि विधानसभा विधान परिषद जो है उसमें से वर्तमान में कुल ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, जिसमें बिहार है, कर्नाटक है, यूपी है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो ये आप याद रख सकते हैं। किसी भी राज्य के सृजन को लेकर के जो प्रश्न में पूछा गया था तो वही यहाँ पर बात की गई है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना हो या उसकी समाप्ति करना हो तो राज्य विधानसभा के जो भी तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में इनमें से किस एक को नहीं, आपसे पूछा गया कि इनमें से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है, तो किसको नहीं किया गया है, आदर्शों का आदर करना, पालन करना, ये सारी चीजें आती हैं, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जात सुधार की भावना विकसित करना, ये भी सब आता है, पर अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये आपका नहीं आता है। ये आपका किसमें नहीं आता है, ये आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य को जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 है उसके द्वारा अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया, इसी में आपका अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का प्रावधान नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है, तो मैंने कहा है कि आप देखेंगे प्रीवियस उठा करके उसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची से एक क्वेश्चन केवल यही पूछ लेता है कि ये कौन सा विषय इसमें आता है, नहीं आता है, बस इससे रिलेटेड। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो गैस आप जो देख रहे हैं ये आपका जो विषय है वो आपका इसमें नहीं आता है। संविधान सभा संविधान की जो 12 अनुसूची है उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसी में ही ये 3 भाग आते हैं। जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत ही आपके 3 भाग आते हैं, एक आपका संघ सूची, एक आपका राज्य सूची और एक आपका संवर्ती सूची। अब ये भी समझिए संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में आपके वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले कितने विषय थे तो 97 विषय थे। राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, तो ये वर्तमान वाले विषय आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो आंसर है वो गैस वाला है जो कि संघ सूची में नहीं आता है। संघ सूची में विषय जैसे आप कहेंगे विदेशी का विदेश कार्य है या बैंक कार्य है, बीमा है, करेंसी और सिक्के हैं, जनगणना है, इस तरीके के मुद्दे आप क्या। राज्य सूची में जैसे पुलिस है, लोक व्यवस्था है, कृषि है, वन है, इस तरीके के। संवर्ती सूची में आपका सिविल प्रक्रिया है, विवाह है, संविदा है और शिक्षा आदि विषय इस तरीके के आते हैं। अगला अगला क्वेश्चन आपका है, एक तरफ सूची एक दे रखा है, सूची दो दे रखा है और आपको सही मिलान करना है और बताना है कौन सा किससे मैच होगा। आपको ये सभी प्रकार दे रखे हैं जड़ों के अलग अलग, तो तर्क रूप किसमें देखने को मिलता है, ये आपको मूली में देखने को मिलता है, याद कर लीजिएगा सीधे सीधे। कुंभी रूप शलजम में देखने को जो है वो मिलता है, संघ रूप गाजर में आपको देखने को मिलता है और कंदिल डहेलिया में देखने को मिलता है। डहेलिया का आपने देखा फूल, उसके जड़ जो होती है ना वो आलू जैसे होती हैं, देखिएगा कभी, तो ये आपका इस तरीके से सही मैच हो जाएगा। और
ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो, फिर तीन, फिर एक, फिर चार, बी सही है। अगला है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी या एटीपी। तो आप सभी को एटीपी सुना है, आप लोगों ने, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। एटीपी फुल फॉर्म होती है एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और रूस जो होता है वो सजीव अपनी जैविक क्रियाओं में जो है वो करता है। अगला है, वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी जो विकिरण है उससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, या हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। आंसर यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ये आपका सही हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है ना, जिसको पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, उसको अवशोषित करके तो पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूची एक दे रखा है, दो दे रखा है, मिलान करना है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो एथिलीन का यूज किया जाता है। तो ये तो सीधे सीधे आपका मैच हो जाएगा एथिलीन वाले से। बेकिंग सोडा जो है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इसी का नाम होता है, कई बार बता चुके हैं, खाने का सोडा इसी को ही कहते हैं। शीतल पेय जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और क्वार्ट्ज जो देख रहे हैं इसमें सिलियम सोडियम सिलिकेट होता है, तो ये सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। देख लिया आपने। अब आंसर की बात करते हैं, तो 3 4 1 2 करके आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बाकी तो आपको याद होंगे, शीतल पे भी आपका क्वार्ट्स थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो आपके लगभग बार बार रिपीट होते रहते हैं। 30 क्वेश्चन है, विज्ञान का दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो आपसे पूछा गया है कि कहाँ किस प्रकार का होता है। दृष्टिपटल रेटिना को ही कहते हैं, नेत्र का भीतरी भाग होता है, तंत्रिका स्तर है, अनेक परतों का बना होता है, रचना इसकी तंतुओं, तंत्रिका कोशिकाओं, शंकुओं, शलाकाओं, इन सबसे होती है, और यहाँ पर जो पूछा गया था चित्र वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, ये आपका सही हो जाएगा। जब किसी भी वस्तु से निकली कोई प्रकाश किरण होती है, नेत्र में प्रवेश करती है, तो कैमरे के निगेटिव की भांति वस्तु की जो वास्तविक उल्टी और छोटी कहेंगे आप जो उसकी आकृति होती है, वो नेत्र की रेटिना पर बनती है। अभी आगे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो कि मैथ के स्टार्ट हो रहे हैं। 31 प्रश्न आपका है कि 2 अंकों की एक संख्या जिनके अंकों का योग आपका 11 है, और यदि अंकों के स्थान आपस में बदल देते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, संख्या बतानी है। अब 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का टोटल 11 है, देखेंगे 8 9 10 11, 9 10 11 यहाँ पर तो सभी में 11 ही है। यदि 11 अंकों के स्थान बदल देते, जैसे 92 है, इसकी जगह क्या कर देते हैं, 29 कर देते हैं, तो कह रहा है संख्या 63 कम हो जाती है। 92 और 29 में डिफरेंस देखेंगे तो 63 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, भी तो आसानी से आप छाट सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाई का अगर 90% आपसे कह रहा है एक्स है, और एक्स का कितने परसेंट वाई होगा? वाई का 90% एक्स है, तो जो लिखा है वही लिख लीजिए, वाई और इसका 90% यानी गुणे 90 और बटे में आपका जो है वो 100, 90% एक्स के बराबर, 90/100 बराबर में आपके एक्स के है। अगर आप एक्स को उधर ही रहने, वाई को उधर ले चल रहे, तो 90/100 के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू 9/10, 0 0 कट जाएगा ना, अगर इस 0 से 0 काट देंगे तो एक्स अनुपात वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/10 जो है यहाँ से आएगी। आगे ये पूछ रहा था कि एक्स का कितने परसेंट वाई होगा, अगर हमसे कह रहे हैं एक्स का कितने परसेंट वाई होगा, तो वैल्यू दोनों की पता ही है, 10/9 × 100 कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, 10/9, यहाँ 10 है 9 है और गुणे में आपका 100, यही चीज आपसे पूछी गई थी। सॉल्व करेंगे तो 1000/9 मतलब 111.1% करके जो बी ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। साइड में इसका प्रश्न का सॉल्यूशन भी लगा दिया, यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन लिखा है वही क्वेश्चन यहाँ लिखा है, मतलब हम इसको ही डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ पर 3√9 है, उसके बाद -3√8 है, 9+2√18 करके है। यहाँ पर जो √9 वैल्यू है ये आपको पता है, √9 जब बाहर निकलेगा तो 3 बचेगा, तो 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √8 वैल्यू लिखी हुई है, √8 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, आप इसको अगर आप देखिए ब्रेक करके तो कैसे टूटेगा, 2 × 2, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आता है। जैसे 8 लिखा है, 2 से काटेंगे तो 2 × 2 = 4 की 2 × 8, 2 × 8 फिर 2 × 2 = 4 फिर 2 × 1 = 2, तो 2 तो आपका पेयर बन रहा है, यानी जो 2 है वो केवल बाहर निकलेगा, और अंदर क्या बच रहा है, केवल और केवल रूट वाली वैल्यू बच रही है, यानी कि √2, यानी इस √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं। बाहर आपका 3 पहले से ही था, यानी 3 इस 2 से गुणा हो जाएगा तो आपकी वैल्यू 6 आ जाएगी, और √2 आपका बचेगा यहाँ पर, तो वही 6√2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको रब कर देते हैं। इसी प्रकार आगे 9 ऐसे ही रहेगा,
टू रूट एटीन में भी आप सेम वही चीज करेंगे, रूट एटीन का जो वैल्यू निकल करके आएगी उसको यहाँ पर रख देंगे, बाहर वाली वैल्यू से गुणा कर देंगे तो 6√2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा और −6√2 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर 9 + 6√2 ऑलरेडी था। ए माइनस बी ए प्लस बी, आपको पता है फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपको क्या करना है इसी का फॉर्मूला रख लेना है। इसको आप ए मान लेंगे यानी 9 का स्क्वायर, इसको बी मान लेंगे यानी 6√2 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 होगा और इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 × 2 = 72 होगा, 81 में से 72 कटाएंगे, √9 बचेगा, √9 को बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखने में केवल प्रश्न छोटा लग रहा है, परंतु अगर यहाँ लिख के बताते हो सकता आपको ना समझ में आता है, इसलिए डायरेक्टली साइड में आपको लगा करके दिखा दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक कक्षा में 30 छात्रों का एवरेज भार आपको 25 किलो दे रखा है, और यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें मिला दिया जाता है तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो यानी 30 छात्रों का अगर 25 दे रखा है, 30 × 25 सीधे सीधे कर दीजिए, 30 × 25, और अगर इसमें एक आप शामिल कर लेते हैं तो कितने लोग हो जाते हैं, 31 लोग हो जाते हैं, 31 × और एवरेज 2 बढ़ जाता है, यानी पहले एवरेज 25 था, अब 27 हो जाएगा, तो 31 × 27 इसकी वैल्यू आएगी आपकी 837, और ऊपर जो आपने गुणा किया इसकी वैल्यू आएगी 750। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आंसर हो जाएगा, तो डिफरेंस 87 आएगा, डिफरेंस आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका वैल्यू पूछी गई √2 के + √ इस तरीके से। इसमें करना क्या होता है, लास्ट से इसको सॉल्व करते हैं या आप एक्स के बराबर इस वैल्यू को मान लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको करके बता चुके हैं कि एक्स के बराबर आप वैल्यू मान लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर के बराबर आपकी 2 और प्लस पूरा अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। फिर बाद में आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है ऊपर वाली वो आप इसमें रख देंगे, तो आपका बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर और बराबर में आपका 2 और प्लस में आपका एक्स, यानी यहाँ पर जितनी भी रूट वाली वैल्यू होगी वो तो हमने एक्स के बराबर मानी है तो पूरा पूरा रख देंगे। अब इससे आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे, तो एक एक्स माइनस 2 आएगा, एक एक्स प्लस 1 आएगा, वहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, तो एक्स की एक तो माइनस में वैल्यू आएगी उसको आप हटा देंगे, जो प्लस वाली वैल्यू आएगी एक्स बराबर 2 वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके का सेम क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट वर्बली हमने आपको लगभग वैसे बता तो दिया ही है, फिर भी नहीं देखा हो देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ से अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं लाइक अवश्य करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं हर चीज आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करा सकें, लाइक और शेयर अवश्य जो है वो करते रहिएगा। 36 प्रश्न देखते हैं हिंदी के, आपके टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को जो है वो मिलेंगे यहाँ पर, बाकी पैसेज के रूप में तो अलग से आते हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौज जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है, तो कौन सी है, आंसर यहाँ पर प्रिय प्रवास आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और झरना किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, फेमस रचना है इनकी जयशंकर प्रसाद जी की। प्रेम प्रलाप किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अंधायु किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की जो है वो रचना है। अगला है नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है वो क्या होगा। नमक मिर्च लगाना मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, कहते ना कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके, उस संदर्भ में जरा सी बात पर कोई चीज अगर हो जाए उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना। अगला है कि आपसे पूछा गया है संधि विच्छेद सूक्ति का इनमें से क्या होगा, सु प्लस उक्ति होगा, सा प्लस उक्ति होगा, सु प्लस इक्ति होगा। इसी प्रकार आंसर की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन सु प्लस उक्ति जो देख रहे हैं ये आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इसका अर्थ क्या होता है, सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर कथन, दीर्घ स्वर संधि का जो है ये उदाहरण होता है। अगला है निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है वो आपको चाटना है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, तो किस भाग में त्रुटि है, जा रहा व्यक्ति में है, मृत्यु के मुख में है, बोलता है या सदैव सच को। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर सदैव सच को आपका यहाँ पर गलत है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, को जो लगा हुआ ये यहाँ कोई आवश्यक नहीं है, सदैव सच बोलता है बस इतना ही आपका यहाँ पर सही होगा, ये आपकी कोई आवश्यकता को की यहाँ पर नहीं है। 40 प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, कर्मठ, मुमुक्षु, उत्सुक या जिज्ञासु। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर मुमुक्षु आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुमुक्षु कहते हैं, कर्मठ कहते हैं जो कार्य में संलग्न रहने वाला होता है ना उसको कहते हैं, कार्य में किसी संलग्न रहने वाले को क्या कहते हैं, आप कहेंगे कर्मठ कहते हैं। और उत्सुक होता है किसी चीज को जानने की इच्छा, अब जिज्ञासु भी वही होता है जानने की इच्छा रखने वाला,
यहां से आपको देखने को मिलेंगे 5 क्वेश्चन इंग्लिश के। पैसेज एक दिया गया है, देयर वॉज अ मूवमेंट इन इंडिया सेकंड इनिंग करके आपको दिया गया है, इस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन दिया गया होगा। बाकी हम पैसेज आपको दिखाई दे रहे हैं और डायरेक्ट उस क्वेश्चन के आंसर की बात जो है वो कर लेंगे। क्रिकेट से ही रिलेटेड है आपका, इसमें आप देखेंगे सारी चीजें बात की गई। ये क्वेश्चन है इसका, बट अकॉर्डिंग टू विराट कोहली इज द की टू बिकमिंग अ ग्रेट क्रिकेटर, तो ही बिलीव्स दैट व्हाइल क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, इट्स सेट पीस एक्शन बैट्समैन वर्सेस बॉलर इज एन इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट दैट मस्ट बी गॉन। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब वही एक अच्छे बैट्समैन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू विराट कोहली वो पूछा गया। अगला है, आई ट्राइड डैश रिलीव देम डैश देयर पॉवर्टी, तो प्रेपोजिशन यहाँ पर पूछा गया है, आई ट्राइड के बाद आपका टू रिलीव देम होगा, टू इसी ऑप्शन में यहाँ भी है, और डैश देयर आपका पॉवर्टी तो यहाँ पर विद है, यहाँ ऑफ है तो ऑफ होगा, यानी बी वाला आंसर आपका सही होगा। आई ट्राइड टू रिलीव देम ऑफ देयर पॉवर्टी, ये आपका सही होगा प्रेपोजिशन। अगला है आपका, डैश यू प्लीज हेल्प मी सन करके, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड यू प्लीज हेल्प माय सन, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा, कृपया आप मेरे पुत्र की मदद करें उस संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, द पुलिसमैन सेड प्लीज मूव दिस कार, इसका क्या बदलने पर बनेगा, द पुलिसमैन, अब यहाँ पर प्लीज वर्ड लगा है, यानी ये तो है कमांडेड तो बिल्कुल नहीं है, सजेशन भी नहीं दिया जा रहा है, एडवाइस भी नहीं दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज वर्ड से आप पहचान रहे हैं, यानी आपका सेकंड वाला सही होगा, द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड मी टू मूव द कार, इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर एक्टिव पासिव वॉइस है, द बॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, यहाँ पर आपका से पूछा गया है इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, द मैसन सबसे पहले आपके आएगा जो चारों में ही है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपका इज आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से यूज होगी और वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, तो कुल मिलाकर के सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन में, एक ये पॉइंट एक श्रृंखला टाइप की दी गई है और ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को अगर आप पलट देते हैं, दूसरा मतलब अगला वाला जो हिस्सा है उसको आगे से पलट देते हैं, बीच से ही मतलब उसका क्रम बदल देते हैं, तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को आपको ज्ञात करना है, जैसे प्लस है फिर आपका इस तरीके से दे रखा है, पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, ये श्रृंखला यहाँ से पलटेगी, यहाँ से आप देख रहे हैं क्योंकि आधा हिस्सा यही है, आधा हिस्सा कह रहे ना पलटने को, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वन से इधर क्रम में लिखना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वन पहले लिखेंगे फिर एंड है फिर एन है, इसी प्रकार से नहीं इधर साइड से लिखेंगे ना, तो वन पहले लिखेंगे उसके बाद आपका इधर से एट द रेट है तो एट द रेट आ जाएगा, उसके बाद आपका क्यू है तो क्यू आ जाएगा, फिर आपका एल आ जाएगा, फिर इस तरीके से डैश, फिर बी, फिर एक्स, फिर प्लस, फिर वाई, उसके बाद आपका एन और उसके बाद आपका एंड, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस के बाद सीधे क्या आ रहा है, ये इस तरीके से डैश आ रहा है, प्लस आप देखेंगे इसमें कहाँ पर है, ये प्लस आपको दे रखा है, और स्लैश देखेंगे यहाँ है, यानी तीन पीछे जा रहे हैं, यानी माइनस तीन हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में माइनस तीन हो रहा है। सेम आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ एट द रेट लिखा है, तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाला भी इसी प्रकार से पीछे जाना चाहिए, यानी कि एट द रेट है कहाँ, ये है, फिर इससे तीन पीछे जाएंगे तो एक है, फिर सात है, फिर टी है, यानी टी आना चाहिए सबसे पहले, और टी आना चाहिए क्या, बी केवल पहला ही ऑप्शन है जिसमें टी सबसे पहले, यानी बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, बाकी चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इस डॉलर वाले साइन पर जाएंगे तो सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे तो माइनस तीन हो रहा होगा, दो से तीन पर जाएंगे तो माइनस तीन हो रहा होगा, उस श्रृंखला में आंसर पहला हो जाएगा। कथन करण वाला है क्वेश्चन कि किशोरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है और भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का मानक युवकों को तनावग्रस्त बना रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा जो है वो आपका सही है, कथन आप देखेंगे बी रीजन है कि जो भी तनावग्रस्त बना रहा है इसी के कारण ही तो आत्महत्या हो रही है, यानी आप क्या कहेंगे बी जो है वो कारण है, देखिए बी ऑप्शन में सही लिखा है, बी जो है वो कारण है और ए उसका परिणाम पड़ रहा है, तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तनाव बढ़ रहा है तभी तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अगला, यदि पाइप को 16-91-65 लिखा जाता है, स्वयं को जो है का अंतिम अक्षर क्या होगा, यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखी हुई है क्योंकि आपको पता है कि जो पी की वैल्यू प्लेस वैल्यू होती है वो 16 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, पी की फिर से देखिए 16 लिखी हुई है, फिर ई की 5 लिखी हुई है, यहाँ भी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस कौन से नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है,
उसके बाद फिटअप। यहाँ पूछा क्या गया, अंतिम अक्षर क्या होगा, अंतिम अक्षर का मतलब एन की प्लेस वैल्यू पूछी गई, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है यानी अंतिम अक्षर 4 होगा, आंसर ए वाला हो जाएगा। अब सारी प्लेस वैल्यू क्यों लिखेंगे जब आपसे अंतिम अक्षर ही पूछा गया। अगला कह रहा है सुबह के 6:43 घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का माप कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे एक ना एक पूछा ही जाता है, तो हम इसको लास्ट में आपसे पूछेंगे क्योंकि फॉर्मूला लिखा करके कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं, एक बार आप भी खुद से ट्राई करिएगा। अगला है सभी गुड़िया उपहार हैं, ये बना लेते हैं, आपका जो लिखा हुआ है वही आपको बना लेना है। सभी गुड़िया, हमने ऐसे गोला बना दिया, इसमें लिख दिया गुड़िया, और क्या कह रहा है सभी गुड़िया जो है आपकी उपहार है। आगे क्या कह रहा है, कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौने जो हैं वो इसी उपहार में ही आएंगे, यानी अच्छा ये हमने नीचे वाला पढ़ दिया था, ऊपर ये जो लिखा हुआ ये सभी उपहार हमको क्या बताना है, खिलौने हैं हमने बना लिया। देखिए क्या लिखा था, सभी गुड़िया उपहार हैं, तो छोटा सा गोला गुड़िया बनाया और सभी की गुड़िया जो है इस उपहार के अंदर आ रही है और सभी के सभी जो उपहार है वो इस खिलौने के अंदर आ रहे हैं। हमने इसका चेक करना है क्या पहला सही है, सभी उपहार खिलौने हैं, उपहार सभी के सभी जो है वो इस खिलौने में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कुछ खिलौने उपहार हैं, इस खिलौनों में से कुछ हिस्सा कह रहा है उपहार भी आ रहा है, बिल्कुल इस पूरे में से कुछ ही तो आ ही रहा है, सभी कहाँ आ रहा है। दूसरा भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ पर कथन पालन करते हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जीके जीएस के। 51 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बनारस, अलीगढ़, इलाहाबाद या लखनऊ। आंसर यहाँ पर आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो सही हो जाएगा, इसी को कहते हैं पूर्व का ऑक्सफोर्ड। स्थापना इसकी 1887 में हुई थी और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे 2005 में मिला था। अगला है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस या मातृ दिवस। आंसर शहीद दिवस आपका हो जाएगा, 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम जो गोडसे थे उसने महात्मा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। अगला है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, किसे संबंधित थे, सहनाई से संबंधित थे और 2001 में इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका। फ्लाई ऐश पूछा गया है आपसे इनमें से क्या है, तो ऐश के लघु कण जो होते हैं ये आपका फ्लाई ऐश कहलाते हैं। मिलती कहाँ पर ये, तो जो कोयला वगैरह है उसको जलाने से जो महीन कण से निर्मित होती है वो इसमें आपको देखने को मिलती है। अगला है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो ढाका, बांग्लादेश में आपकी सार्क की पहली बैठक हुई थी। सार्क का सुझाव सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जियाउर रहमान, उन्होंने 1977 में दिया था। स्थापना सार्क की कब हुई थी, स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, तो स्थापना हुई थी 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में। टोटल 7 देश इसमें तब जो है वो आपके हुआ करते थे, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल में तो मुख्यालय है वो, और श्रीलंका, और इनके सदस्य देश यही सब थे। बाकी 2007 की जब बात आती है तो वहां पर आपका अफगानिस्तान को इसमें जो है वो शामिल किया गया था और 8 देश के रूप में आपके सार्क कंट्रीज जो है वो हो गई थी। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। आपको पता है बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जो है वो जाना जाता है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 9.8 घंटे यानी सबसे कम समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा कराने में 11.9 वर्ष का समय जो है वो लगता है। उपग्रह में अगर बात करते हैं तो ज्ञानी मीड जो इसका उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या नाम है उसका, ज्ञानी मीड, ज्ञानी मीड भी लिख दीजिए, ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह। टोटल उपग्रहों की संख्या लगभग 79 के करीब है। पृथ्वी में जैसे एक ही उपग्रह है चंद्रमा, मंगल में 2 है आपका, बृहस्पति में 79 के करीब है, शनि में 82, अरुण में 27, वरुण में 13, ऐसे करके बुध और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास अपना उपग्रह जो है वो आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा जो है वो आपका की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति आपका सही होगा और 1957 का जो है वो समय था जब बलवंत राय मेहता की समिति के अध्यक्षता में ही जो है इसको मजबूती जो है वो मिली थी। बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी 1957 में। स्थानीय जो शासन है उसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, ग्राम, खंड और जिला, उसका सुझाव दिया था। ज्यादातर क्वेश्चन यही बनता है, त्रिस्तरीय किसने दिया,
तो बलवंत राय मेहता समिति, दो इस तरह किसने दिया तो अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, या फिर एक जैन भिक्षु, या फिर आपका एक बौद्ध दार्शनिक। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, एक बौद्ध दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो ये 25 नवंबर को जो है मनाया जाता है हिंसा को रोकने के लिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, इनमें से कौन से दिवस 12 नवंबर को मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्र विश्व निमोनिया दिवस, प्रसारण दिवस लोक सेवा करके। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, यानी सेकंड और थर्ड, सेकंड मतलब विश्व निमोनिया दिवस और थर्ड मतलब लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये दोनों आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे भी वीडियो को समाप्त करने से पहले, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। ये आपके लिए प्रश्न हम जो छोड़ करके गए थे, जिसको हमने कहा था कि हम फॉर्मूला पर बेस्ड आपको कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आप आंसर इसका सही निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो सुबह के 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का मान कितना होगा, 56 डिग्री होगा, 78 डिग्री होगा, या 56.5 होगा, या 21.5 होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।